हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रत्नासागर पब्लिकेशन न्यू ग्रामर एंड मोर क्लास सेवन्थ स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रोनाउन। इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज है आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो एवरीवन बी रेडी विद योर बुक्स। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 यानी कि डिटरमाइनर्स तक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आपने उन सारे वीडियोस को ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, देयर यू विल गेट अ प्लेलिस्ट बाय रत्नासागर पब्लिकेशन न्यू ग्रामर एंड मोर सेवन्थ स्टैंडर्ड, वहाँ पे आपको वो तीनों चैप्टर मिल जाएंगे। भाई यार स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना करें। ओके एवरीवन, सो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर आजकल सॉल्यूशंस के बारे में केवल बात करूँगा। और यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है प्रोनाउन चैप्टर का, अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउंस इन द ब्रैकेट एंड टिक द काइंड फॉर द प्रोनाउंस। तो खैर यहाँ पे हमें करेक्ट प्रोनाउन बताना है कौन सा यहाँ पे यूज होना है, उसका काइंड क्या बनेगा। और ये अगर आप प्रोनाउन पे एक डिटेल लेक्चर चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी मैं वो भी अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी अभी नाउन सीरीज चल रही है लेक्चर के फॉर्म में, और जैसे ही नाउन फिनिश होगा नाउन नंबर, तुरंत मैं प्रोनाउन चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वेट करिए, प्रोनाउन के इन सारे टॉपिक्स पे एक डिटेल वीडियो भी आपकी लिए आने वाली है। फिलहाल चलिए पहला क्वेश्चन लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इट इज रिटन दैट नकुल बॉट अ न्यू स्टेशनरी सेट फॉर हिमसेल्फ, या फिर यहाँ पे आपको फिल करना है माई सेल्फ। तो देखिए यहाँ पे आपका स्टूडेंट जो माई सेल्फ होता है, मैं बता दूँ वो ऑलवेज आई के साथ यूज करेंगे, तो आई के साथ माई सेल्फ लगता है। लेकिन नकुल यहाँ पे एक लड़का है, लड़के के लिए हम लोग ही प्रोनाउन यूज करते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे हिमसेल्फ यूज होगा। ऑलराइट, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, इम्फैटिक नहीं बनेगा। सेकेंड नंबर देखते हैं, दीज और दैट इज ब्रिलियंट आइडिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। और जो दिस दैट दीज दोज होते हैं ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, सम ऑब्लिक एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू आवली। तो सम फ्रेंड्स या फिर एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका करेक्ट वर्ड बनेगा प्रोनाउन, दैट विल बी सम ऑफ माई फ्रेंड्स। ऑलराइट एवरीवन, अब यहाँ पूछ रहा है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है या फिर पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन ये कहलाएगा। फोर्थ नंबर की हम लोग बात करें अगर, सो वी देमसेल्व्स आइदर आवर सेल्व्स। तो देखिए देमसेल्व्स हम दे के साथ यूज करते हैं, वी के साथ हम यूज करते हैं आवर सेल्व्स, सो यर दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये पूछ रहा है इम्फैटिक है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे है, सो स्टूडेंट दिस वन इज इम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, आप यह सिंपल लैंग्वेज में फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, अगर ये सेल्फ वाले वर्ड सब्जेक्ट के बिल्कुल आसपास है तो मैक्सिमम ऑफ टाइम ये इम्फैटिक प्रोनाउन होता है, अगर ये सेल्फ वाले वर्ड सब्जेक्ट के नियर बाय नहीं है तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर, टू हूम और हुज डिड यू एड्रेस द मेल। सो टू हूम, यहाँ पे हुज नहीं होगा, टू हूम यानी किसको आपने मेल का एड्रेस किया। और फिर ये कह रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, सो सिंपली इंट्रोगेटिव अभी मैंने आपको बताया, दिस दैट दीज दोज ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। नेक्स्ट सिक्स नंबर, शोभा कॉल्ड अप हर पेरेंट्स एंड टोल्ड देयर्स और टोल्ड देम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, सो यहाँ पे आर्टिकल की जो मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसमें इस बात पे मैंने डिस्कस भी किया था, आई होप आपने देखा होगा। सो देम अबाउट हर रिजल्ट, तो आप पूछ रहे हैं पर्सनल है या फिर ये पॉसेसिव है, तो देखिए टोल्ड देम उनको बताया, तो ये यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, यहाँ पे पर्सनल हो जाएगा, अगर पोसेसिव होता तो यहाँ पे देयर्स वगैरह का सेंस यूज हुआ होता। तो सिक्स नंबर पे यहाँ पे आप पहले देम लिखेंगे फिर आप आ लिखेंगे, यानी कि सॉरी पर्सनल। अब यहाँ पे सेवन्थ नंबर हम लोग देखते हैं, द हाउस अराउंड द कॉर्नर इज आवर्स या फिर योर। तो देखिए योर तो नहीं होगा क्योंकि योर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ऑलरेडी मैं बताया हूँ, जब कभी भी योर स्टूडेंट्स आएगा तो योर की बात ऑलवेज आपको नाउन जरूर मिलेगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, जब हमें प्रोनाउन यूज करना है तो आवर्स प्रोनाउन है, सो ये सही हो जाएगा और ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट एट नंबर, तो एट नंबर, हु और व्हाट इज योर फेवरेट राइटर। तो भाई राइटर का नाम यानी कौन, तो कौन के सेंस में आप यहाँ पे हु का यूज करेंगे, और
या पूछा कि इंट्रोगेटिव है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो सिंपली यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नाइन्थ नंबर दैट मीना हैज अ पेट, द पेट बिलोंग्स टू शी या द पेट बिलोंग्स टू हर, यहाँ पे हर आप यूज करेंगे। अब यहाँ पूछा डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर पर्सनल, तो यहाँ पे आंसर होगा पर्सनल प्रोनाउन। टेंथ नंबर एनीवन ऑब्लिक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पे आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा एनीवन इज नहीं बल्कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर, और ये आपका जो ऑप्शन होगा ये किस टाइप का प्रोनाउन है, सो दिस इज अ इंडिफरेंट प्रोनाउन। ओके, सो विद दिस वी हैव सॉल्वड एक्सरसाइज नंबर ए। नाउ लेट्स सी व्हाट द बी इज सेइंग दैट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे आपको सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन क्या करना है, फिल करना है। सो टीचर यहाँ पे कहते हैं वॉट डू यू स्पेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉट डू यू स्पेल इंडिपेंडेंस, बच्चे ने बोला इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट ने बोला नो इट इज इंडिपेंडेंस, खैर ये प्रोनाउंसिएशन की बात होगी। खैर आगे फिर नेक्स्ट जो ब्लैंक प्लेस आ रहा है, टीचर ने फिर से पूछा कैन यू टेल मी व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, स्टूडेंट ने आंसर दिया। नाउ टीचर, अब टीचर यहाँ पे फिर से पूछते हैं, नाउ गुड कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, किसे बता सकते हैं मुझे, कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड इन 1950 में क्या हुआ, तो बच्चों ने सिंपली रिप्लाई किया यानी कि सभी ने, तो वी बिकेम अ रिपब्लिक। ओके, सो विद दिस वी हैव सॉल्व बी नंबर एज वेल। नाउ व्हाट द सी सेइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, एंड स्टूडेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एज वेल, क्योंकि ये सारा एफर्ट आप लोगों के लिए है कि कोई भी क्वेश्चंस जहां पे आपका डाउट हो आप उसे सॉल्व कर पाएं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही तो आप लोग कमेंट भी जरूर करिएगा, साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन बिकॉज दीज थिंग्स मोटिवेट्स मी टू अपलोड मोर वीडियोज फॉर यू ऑल गाइज। सो नाउ क्वेश्चन नंबर वन दैट जैस्मिन, सो ये क्या करें भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो यहाँ से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो जैस्मिन इज नॉट कमिंग फॉर द डांस क्लासेस टूडे, अब यहाँ पे हमें चूज करना है क्या होगा, हर शी या फिर हर्स, सो हियर करेक्ट आंसर विल बी शी। ओके, नाउ सेकंड नंबर इज सेइंग दैट गुरप्रीत बॉट अ नाइस पेन, शी गेव, तो शी गेव के बाद यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा हियर इट विल बी शी गेव इट, उसने उसको दिया यानी पेन को किसे, मुझे दिया यानी कि मी। ओके, नाउ थर्ड नंबर, तो थर्ड इज व्हाट सेइंग, आई कांट फाइंड माय पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आई लेफ्ट, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे लिखा है, तो बेसिकली अभी आपको यहाँ पे एक प्रोनाउन फिल करना होगा, आई लेफ्ट देम या फिर आई लेफ्ट दे आई लेफ्ट डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करेंगे, उन्हें लगेगा भाई स्पेक्टिकल्स की बात हो रही है, और ये देखिए नाउन नंबर का वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूजफुल होगा, नाउन नंबर में जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था एक्चुअल में स्पेक्टिकल्स ऑलवेज प्लूरल की तरीके यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आप कभी भी इट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इट का जो इस्तेमाल होता है वो नॉन लिविंग सिंगुलर के साथ होता है, परंतु अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आप ऑलवेज एंड ऑलवेज दे का फॉर्म यूज करेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो आपका जो सही आंसर होगा दैट विल बी देम, आई लेफ्ट देम हियर ऑन द डेस्क। ऑलराइट, नाउ फोर्थ नंबर, तारा नीड्स अ न्यू वाटर बॉटल प्लीज बाय शी बाय इट या फिर बाय हर, so here correct option will be buy her one soon. Now fifth number, Mr. Patel boarded the wrong bus, so अब Mr. Patel यानी कि male person, तो यहाँ पे subjective case यानी यहाँ पे आप he students fill करेंगे। sixth number देख लेते हैं, I like your painting, can you paint one for I, me या फिर we, तो यहाँ पे objective case, यहाँ पे objective case केवल me ही है, तो correct option will be me। seventh number, सानियास काइट इज फ्लाइंग हाई डैश फ्लाइंग हायर देन शोभनास, तो यहाँ पे आप दे इट्स या फिर इट यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा इट इज फ्लाइंग हायर देन शोभनास। ऑलराइट, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना है। नाउ एट नंबर, मिस्टर नाथ इज अवर न्यू फिजिक्स टीचर, एंड आगे आपको मिस्टर नाथ के लिए एक प्रोनाउन यूज करना है सब्जेक्टिव केस है, तो बेसिकली यहाँ पे आप ही को यूज करेंगे, that he joined the school yesterday. Okay, now question number 9, Jaya and Anna are working on a project dash, ab aapko yahan pe do pronoun use karna hai, to yahan pe dekhiye objective case, to yahan pe dekhte kya, pehle to aapka they hoga they, lekin yahan pe do jagah pe they will submit it
तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सबमिट देम लिखा हुआ है, एक जगह पे आपको सबमिट इट लिखा हुआ है, यहां बहुत अलर्ट रखिएगा कि यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी सी दैट दे विल सबमिट इट बाय टुमारो, इसको वो कल सबमिट कर देंगे। ओके नाउ, अच्छा कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज ये मत होइए कि यहां ऑन अ प्रोजेक्ट देखिए लिखा हुआ है कि भले जया और अन्ना काम कर रही बट प्रोजेक्ट क्या है, एक ही है। ओके नाउ इसलिए आप देम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे सिंगुलर है। फाइन, डोंट गेट कंफ्यूज। 10 नंबर की बात करते हैं। आंट एनी इज टेरिफाइंग ऑफ आवर डॉग्स, शी फियर्स दैट, उनको डर है कि, तो यहां पे क्या होगा वुड बाइट। तो सिंपली यहां पे देखो जो आपको जो प्रोनाउन फिल करना है डॉग्स के लिए फिल करना है, तो डॉग्स यहां प्लूरल नंबर में, तो यहां पे आप दे फिल करेंगे और आंटी को काटे तो उनके लिए लेडीज के लिए हर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। नाउ 11th नंबर, प्लीज थैंक वानी फॉर द सैपलिंग्स दैट, अब आगे देखते हैं, सेंट दिस मॉर्निंग, सो अभी यहां पे हम वानी के लिए यूज करेंगे, तो यानी कि शी हो जाएगा, सेंट किसी भेजा, मुझे भेजा, तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा मी, सो करेक्ट आंसर विल बी शी सेंट मी दिस मॉर्निंग। ओके नाउ 12th नंबर, वेयर इज दैट ब्लू स्कर्ट ऑफ योर, हर या फिर योर्स, सो सिंपली आंसर विल बी योर्स। नाउ 13th नंबर, रितिका एंड, अब यहां पे आप हर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट पहले ऑलवेज याद रखिए, ऑलवेज सब्जेक्टिव केस ही लगता है सब्जेक्ट की जगह पे, सो हियर करेक्ट आंसर विल बी आई। सो विद दिस एक्सरसाइज नंबर सी ऑल्सो हैज बीन सॉल्व, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन डी। सो डी क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद हु, हू, दैट या फिर हुज। सो हु कौन या जोग के सेंस में, हुम ऑब्जेक्टिव केस बताता है, हुज पोजेसिव केस बताता है, और दैट भी हम जोग के सेंस में यूज करते हैं बेसिकली, यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए हम लोग यूज करेंगे, और हु, हुम और हुज ध्यान रखिए कि इनका इस्तेमाल वहां पे होगा जहां पे लिविंग बींग्स की बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट, पहला यहाँ पे आपका डी नंबर क्या कह रहा है, दिस इज द बैग, देखिए बैग की बात हो रही है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि बैग है नॉन लिविंग है, जहां जहां आपको नॉन लिविंग दिख जाएगा, और तो यहाँ पे दैट यूज हो जाएगा। ओके नाउ सेकेंड नंबर, शीला इज द गर्ल, यहाँ पे जो का अर्थ आ रहा है शीला वही लड़की जो की, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी हु। नाउ थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर यहाँ पे दिया गया है दैट इज द लेडी, ये वही लड़की लेडी है गार्डन, तो हुज गार्डन हैज द मोस्ट, जिसके गार्डन में, यहाँ पे पॉजिटिव केस का अर्थ आ रहा है हुज गार्डन, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाउन है, और ऑलवेज याद रखिए नाउन है, तो उसके पहले मैक्सिमम ऑफ चांसेस, अगर इन तीनों की मैं बात करूं तो मैक्सिमम ऑफ टाइम आपको यहां पे मिलेगा पॉजिटिव केस। ओके फोर्थ नंबर, ऑल इज वेल, तो यहां पे आपका हो जाएगा दैट एंड इज वेल, ऑल राइट। नाउ फिफ्थ नंबर, इज दिस द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की देखिए रेस्टोरेंट की बात हो रही है, जब रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो सिंपली मैंने आपको ऑलरेडी बताया नॉन लिविंग सेंस, तो आपको दैट का यूज करना है। सिक्स, हु इज द पेंटर, देखिए पेंटिंग वर्ब लगा हुआ है, तो यानी इसके पहले यहां पे आप लिखेंगे सॉरी नाउन लगा है, तो यहां पे आपका फिर से ऑब्जेक्टिव केस पजेसिव केस आ जाएगा, हुज पेंटिंग्स आर ऑन, ऑल राइट। नाउ सेवेंथ नंबर, दिस आर्टिकल इज ऑन दादा साहेब फाल्के, तो यहां पे अब आपका इज नोन, तो जो कि जाने जाते हैं, तो हु इज नोन, अब देखिए हमने यहां पे हु क्यों लगाया, क्योंकि हु के ठीक बाद यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, इस बार कोई नाउन नहीं आया, अगर नाउन आया होता तो पॉजेसिव केस के चांसेस बढ़ जाते। नाउ एट नंबर, दिस इज माय फ्रेंड सारा, ये मेरा दोस्त जो है सारा विद हुम, यहां पे देखिए ऑब्जेक्टिव सेंस आ रहा है, तो विद हुम आई, देखिए यहां पे आई एक प्रोनाउन यूज किया गया, कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो हियर दिस विल बी द करेक्ट वन। नाउ एक्चुअली ई नंबर पे चलते हैं, सो व्हाट द ई सेइंग दैट मैच द कॉलम, आपको कॉलम यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैच करना है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन किसको आप किसके साथ मैच करेंगे बेसिकली। सो दिस इज द बुक, सो यू आर गोइंग टू मैच दिस विद ऑप्शन नंबर सी दैट वी यूज इन ज्योग्राफी क्लास, ऑल राइट। सेकेंड नंबर की बात करें द कैमरा, तो इसको आप मैच करने वाले हैं द कैमरा दैट वॉज स्टोलन बिलोंग्स टू सादिया। ओके थर्ड की अगर हम बात करें द पर्सन, so here the correct match will be whose mother is doctor, the person whose mother is doctor। fourth, Pamela gave me a reply and that I never expected, yani ki aap yahan match karenge f number se। and fifth,
सो फिफ्थ यहाँ पे दिया है दिस इज माई, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक शायद मैंने कर दिया है। सो थर्ड को हम मैच करेंगे एक्चुअली बी के साथ, आई हैव मैच्ड विद ए। ऑल राइट जस्ट अ सेकेंड लेट मी इरेज इट। फाइन सो स्टूडेंट्स यहाँ पे द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार इज इट्स ओनर, ओके। और यहाँ पे आपका जो फिफ्थ नंबर है दैट विल बी नाउ हियर विद दिस माई फ्रेंड सिया हुज मदर इज अ डॉक्टर। ऑल राइट नाउ सिक्स्थ को हम मैच करने वाले हैं एच के साथ, दिस इज द फॉर्म दैट माई ग्रैंड फादर सोल्ड लास्ट ईयर। सेवेंथ को हम मैच करेंगे यहाँ पे ई के साथ, दैट दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ श्रीनिवास रामानुजम हु वॉज मैथमेटिशियन। एंड एट नंबर आपको आइडिया लग ही गया हो दैट सिंपली देयर इज वन ऑप्शन डी नंबर। सो विद दिस वी हैव सॉल्व दिस वन एज वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर एफ। तो व्हाट दिस वन इज सेइंग दैट मेक कंप्लीट सेंस सेंटेंसेस विद दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हु हूम दैट हूज एंड कनेक्ट द वर्ड्स यू मे नीड टू एड अदर वर्ड्स टू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो ये ग्रुप ऑफ ये वर्ड्स दिए गए हैं इसका जो करेक्ट जो सेंटेंस होगा मैं बोल दे रहा हूँ, इफ आई विल राइट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, सो आप डायरेक्टली आप लोग अपने बुक में लिख लीजिए। सो एज यहाँ पे प्रणय जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा, सो प्रणय इज द बॉय हु वन द रेस। सो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्मेशन सेंटेंस का बनेगा दैट विल बी प्रणय इज द बॉय हु वन द रेस। ऑल राइट नाउ सेकेंड नंबर, सो यहाँ पे मीट गणपत आई मेट बुक क्लब, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट सेंटेंस, आपका सेंटेंस अलग भी आप बना सकते हैं, ओके। सो मीट गणपत हुम आई मेट एट बुक क्लब, मीट गणपत हुम आई मेट एट द बुक क्लब, ये करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो डू यू नो प्रांजल हुज मदर इज अ साइंटिस्ट, ओके। फोर्थ नंबर दैट द सिस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ अर्थक्वेक, ओके। नाउ फिफ्थ नंबर दीज आर द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द डांस कॉम्पिटिशन। सो वी हैव सॉल्व दीज फाइव। नाउ लेट्स मूव फॉर सिक्स नंबर, तो यहां पर हम हमारा जो सेंटेंस बनेगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सेवेंथ नंबर वेल इन ट्रबल कॉमा माई फादर इज द पर्सन हुम आई कॉल फॉर हेल्प। नाउ द लास्ट वन दिस इज रूना हुज हाउस इज नेक्स्ट टू माई। सो विद दिस वी हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज एज वेल। नाउ लेट्स मूव फॉर द जी। सो व्हाट द जी सेइंग दैट फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स यहां पर मैं रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करनी है, तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट है वुमन हु इन्वेंटेड रेडियम, तो यहां पे आप क्या यूज करने वाले हैं हु इन्वेंटेड रेडियम। सेकंड नंबर इन्वेंशन विच जेल जेल बियर्ड मीट, तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन्वेंशन आप दैट यूज कर सकते हैं दैट जेल बियर्ड मीट, ओके। नाउ अगर हम थर्ड नंबर की बात करें इंडियन हुज ऑटोबायोग्राफी, यहां पर क्या हो जाएगा here you will fill whose autobiography is called Wings of Fire. And now fourth number freedom fighter who was, all right. Now fifth number world famous Indian monument that, okay. Sixth number so students यहाँ पे आप which वगैरह भी जहां जहां that लगे आप यहाँ पे which का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें मैं details lecture वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फिर से अच्छे से समझाऊंगा, ओके। सो अब यहां पे देखिए हम सिक्स नंबर की बात करते हैं फेमस अमेरिकन बॉक्सर हुज डॉटर, सो हियर वी विल राइट हुज डॉटर। सेवंथ नंबर इंडियन क्रिकेट कैप्टन हुज सन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया अगर आपको तुरंत नाउन मिल रहा है तो आप पजेसिव केस ही यूज करेंगे। नाउ कंट्री, तो कंट्री के सेंस में आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप विच का भी इस्तेमाल यहां पर स्टूडेंट्स कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ओके। नाउ नाइन्थ नंबर इंडियन स्टेट दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टेंथ नंबर क्लास ऑफ एनिमल्स, यहां पे भी आप दैट का ही यूज करेंगे। इलेवन टर्म, देखिए ये भी नॉन लिविंग सेंस में आप या फिर टर्म, तो यहां पे भी आप लिविंग बींग्स का सेंस नहीं, तो आप दैट का यूज कर सकते हैं या फिर आप विच ज्यादा सुटेबल यूज कर सकते हैं।
नाउ 12 नंबर कंट्री, यहाँ पे कंट्री फिर से आ गए, तो यहाँ पे आप फिर से दैट या विच लगा सकती हैं। 13 एक्वेटिक बर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स की बात हो तब भी आप दैट या विच ही लगाती हैं। 14 नंबर दैट मराठा रूलर, अब देखिए मराठा रूलर की बात हो रही है यानी कि लिविंग बींग्स, यहाँ पे हुज टेल्स क्या हो जाएगा, जिनकी कहानियां। 15 नंबर अमेरिकन राइटर हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ द टू बॉयज एंड सो ऑन, सो दिस वन हैज बीन डन एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज नंबर आई। एच इज सेइंग दैट आपको ऊपर के जो भी दिए गए जी को आपस में डिस्कस करना है इन पेयर, सो डिफाइन दीज टर्म्स यूजिंग द सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको यहाँ पे देखना है कि भाई वो लिविंग बींग्स जो ये नाउन यहाँ पे दिया गया या फिर नॉन लिविंग दिया गया है, उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे देखिए पहला आपका इन्वेंटर दिया गया था, तो आप यहाँ इन्वेंटर यानी किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे है, तो देखिए सिंपली यहाँ पे क्या किया गया है कि ये लाइक हु करके यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है। खैर ये तो आप समझ गए होंगे, इसमें आपको क्या करना है कि आप इसे खुद सर्च करिएगा, क्वेश्चन बन चुका है और क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पे जो आंसर्स हैं इनके वो आपको खुद गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, इजिली आपको मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। सो नाउ अब यहाँ पे सेकंड नंबर की हम बात करेंगे, देखिए जब टेलीस्कोप है, अगर टेलीस्कोप है तो आप समझ गए होंगे ये नॉन लिविंग है, यानी कि आप यहाँ या तो यहाँ पे दैट लगाएंगे या तो यहाँ पे आप विच लगाएंगे। सेंटेंस में बोल दे रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, दैट अ टेलीस्कोप इज अ डिवाइस दैट अलाउज अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, अब देखिए आर्कटिक, आर्कटिक किसी व्यक्ति को बोलते हैं जो आर्किटेक्चरिंग का वर्क करते हैं, इंजीनियरिंग का इस फील्ड में वर्क करते हैं, तो यहाँ पे हु का हम इस्तेमाल करेंगे। सो एन आर्किटेक्ट इज वन हु डिजाइंस बिल्डिंग, तो आर्किटेक्ट वो होते हैं जो बिल्डिंग की डिजाइन करते हैं। इसी प्रकार से आप एस्ट्रोनोमर को भी आप बता सकते हैं, बहुत ईजी है, एन एस्ट्रोनोमर इज वन हु स्टडीज द स्टार्स। ओके, बाकी ऐसा करते इसका जो रिमेन है मैंने उनको नहीं लिया हुआ है क्योंकि काफी ईजी है, आगे आप सेंटेंसेस खुद में खुद फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर जे की, तो जे में बेसिकली आपको क्या करना है बताना है, राइट पी फॉर प्रोनाउन एंड डी फॉर डिटरमाइनर फॉर द अंडरलाइन वर्ड, तो आपको बताना है कहाँ पे ये प्रोनाउन्स हैं और कहाँ पे डिटरमाइनर्स का यूज हुआ है, आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि जितने भी प्रोनाउन्स होंगे बेटा उनके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, और जो डिटरमाइनर्स होंगे, डिटरमाइनर्स एक प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं और एडजेक्टिव्स में ऑलवेज क्या आते हैं, उनके बाद नाउन जरूर होंगे या किसी न किसी नाउन को वो लाइक रेक्टिफाई कर रहे होंगे, उनके बारे में कोई उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, एज एडजेक्टिव यूज होंगे। फाइन, तो जैसे कि अब यहाँ पे देखिए आपका पहला नंबर है जे का, दैट विच ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पे आप खुद देखिए ड्रेस देखिए यहाँ पे यूज किया गया, ड्रेस एक नाउन है और नाउन के जस्ट बगल में विच यूज किया गया है, तो सिंपली यहाँ पे ये क्या है, ये एक डिटरमाइनर, मैं कल डी लिख देता हूं इन शॉर्ट। ओके, बट अब जरा यहां पे सेकंड नंबर देखिए, व्हाट इज, तो क्या व्हाट के बाद कोई नाउन आया है, जी नहीं कोई नाउन नहीं आया है, सो हियर दिस वन इज पी मींस प्रोनाउन। ओके, अब यहां देखिए थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं, यहां पे नीदर आया हुआ है, तो आई हैव रेड नीदर, तो यहां पे कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कोई भी नाउन, सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन। वहीं देखिए अगर मैं बात करूं फोर्थ की, देखिए मेनी वाटर, तो वाटर एक नाउन है और नाउन के बगल में मेनिया है, यानी कि यहाँ पे ये एक डिटरमाइनर है, यानी कि ये एक एडजेक्टिव। दिस की बात करिए फिफ्थ नंबर की, तो दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया है बच्चा लोग, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। सिक्स नंबर में देखिए हिज कार, तो कार एक नाउन है, यानी कि ही एक डिटरमाइनर होगा। इसी प्रकार सम मनी में मनी भी एक नाउन है, यानी कि सम यहाँ पे डिटरमाइनर होगा। वही हुज वर्क आर दीज, दीज के देखिए बगल में कोई भी आपको नाउन नहीं दिख रहा है, इट मींस दिस इज अ प्रोनाउन। ओके एवरीवन, सो दिस वन आल्सो हैज बीन सॉर्टेड आउट। मैं चाहूंगा ये तो आप खुद ही करिए क्योंकि काफी इजी सा है, अब आपको इसे खुद करिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग के नंबर यानी कि लास्ट एक्सरसाइज आज के हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, राइट पी फॉर प्रोनाउन एंड डी फॉर डिटरमाइनर्स फॉर द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं की का पहला नंबर, इफ वी गो ऑन, तो यहाँ पे आपका होगा अ जंगल। अब जरा आप लोग खुद देखिए, आप लोग खुद से करिएगा। अब एक हिंट फिर से मैं दे दे रहा हूँ भाई, आ मैंने यूज किया जंगल एक नाउन है, तो अब आप समझ गए होंगे ये केवल केवल डिटरमाइनर होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। वही सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी हुज, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, हुज इज दिस बुक, तो देखिए हुज अकेले आया हुआ है,
यहाँ पे किसी का भी लाइक कोई भी नाउन साइड में नहीं है, यानी कि दिस इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। अब आगे क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, प्रोनाउन या फिर डिटरमाइनर वाला। थर्ड नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, सो थर्ड में एक्चुअली आप यहाँ पे थर्ड ही फिल करेंगे, सर बी अटेंड द थर्ड पोजिशन। ओके, फोर्थ नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, तो फोर्थ नंबर में आप यूज करेंगे डू यू हैव अ पेंसिल एंड इरेजर, आई हैव नन ऑफ देम। यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आई हैव नन ऑफ दीज। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ दीज है तो यहाँ समझ जाएगा ये क्या है भाई, यहाँ पे एक प्रोनाउन है, नन ऑफ दीज कन्फ्यूज नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको नाउन नहीं मिल रहा है। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें तो फिफ्थ नंबर के देयर इज, सो बेसिकली यहाँ पे आपका बचा हुआ जो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे सम वॉटर। सिक्स नंबर, तो सिक्स इज सेइंग दैट आई लव दीज पेंटिंग्स, यहाँ पे आप क्या यूज करें, आई लव दीज पेंटिंग्स, काफी इजी है। एंड लास्ट आपका बचा हुआ माय आंट, तो अब यहाँ पे माय माय क्या है और यहाँ पे जो दीज मैंने यूज किया है ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। खैर दीज पेंटिंग्स आई होप आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सो इट्स डन। नहीं अभी एम एक्सरसाइज नंबर भी बचा हुआ है, लेट्स सॉल्व इट एज वेल। तो यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है कि आपको बताना है राइट द टाइप ऑफ अंडरलाइन डिटरमाइनर्स ऑन द ब्लैंक, तो कुछ डिटरमाइनर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको बस नाम बताना है कि कौन से किस टाइप के हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका सॉल्व है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव वन। सेकंड की बात की जाए तो देखिए फोर एक संख्या है तो ये एक न्यूमेरिकल डिटरमाइनर है। वहीं अगर हर की बात की जाए तो ये पोसेशन अधिकार बता रहे हैं तो पोसेसिव है, और द तो आपको पता ही होगा बिल्कुल रटा हुआ कि ये एक आर्टिकल है। वहीं अगर फिफ्थ की बात की विथ शर्ट, ये एक प्रकार का इंट्रोगेटिव है। और वहीं अगर बात की जाए द पोस्ट मास्टर हैड लेफ्ट दिस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाए, क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा आपका सिक्स नंबर, चूंकि दिस दैट ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर सेवन नंबर की, टू देखिए फिर से संख्या आ गया यानी न्यूमेरिकल हो जाएगा, न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स। एट नंबर की अगर बात करें तो ये देखिए क्वांटिटी बता रही, मात्रा बता रहे, तो क्वांटिटी फायर ये हो जाएगा। एंड विद दिस दो क्वेश्चन क्या आपके बच गए वो आप लोग खुद करिएगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आइए आज के इस वीडियो के भी फिनिश करते हैं, आई होप आपको काफ़ी यूजफुल सेशन लगा होगा। बट हाँ मुझे अच्छा तब लगेगा बच्चा लोग जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन एज वेल वेदर दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू आर नॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।